दोस्तों, आज इस वीडियो में इन्फोसिस के सह संस्थापक श्री नारायण मूर्ति की जीवन गाथा बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नागवार रामाराव नारायण मूर्ति साधारणतः नारायण मूर्ति के नाम से जाने जाते हैं, जो भारतीय आईटी उद्योग के उद्योगपति और इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। मूर्ति का नाम फॉर्च्यून पत्रिका के दुनिया के सबसे महान 12 उद्योगपतियों की सूची में भी शामिल किया गया। भारत के आईटी क्षेत्र में उनके अतुल्य योगदान के लिए टाइम्स पत्रिका में उन्हें भारतीय आईटी का जनक भी कहा गया। मूर्ति जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1946 को कर्नाटक के कोलार जिले के सिद्ध लाघत्ता ग्राम में हुआ था। प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की परीक्षा देने गए, लेकिन उनमें वे किसी कारण उपस्थित नहीं हो सके। बाद में वहां जाने के बजाय वे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिए और 1967 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। 1969 में उन्होंने कानपुर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर डिग्री भी प्राप्त कर ली। नारायण मूर्ति ने अपनी कैरियर की शुरुआत अहमदाबाद में IIM के चीफ सिस्टम प्रोग्रामर बनकर की। वहां वे भारत के पहले शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम पर काम कर रहे थे और भारत के इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के लिए बेसिक इंटरप्रेटर को डिजाइन कर रहे थे। बाद में उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम नारायण मूर्ति ने अपने कैरियर की शुरुआत अहमदाबाद में IIM का चीफ सिस्टम प्रोग्रामर बनकर की। वहां वे भारत के पहले शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम पर काम कर रहे थे और भारत के इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन के लिए बेसिक इंटरप्रेटर की डिजाइन कर रहे थे। बाद में उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम सॉफ्ट्रॉनिक था, लेकिन 1.5 साल बाद वह कंपनी असफल हो गई। मूर्ति ने 1981 में इन्फोसिस की स्थापना की, जिसमें उस समय उन्होंने अपनी कंपनी में 10,000 रुपयों की पूंजी लगाई थी। यह पूंजी उन्हें अपनी पत्नी सुधा मूर्ति ने दी थी। मूर्ति ने 21 सालों तक 1981 में 2002 तक इन्फोसिस की CEO बनकर सेवा की और बाद में उन्होंने नंदन नीलेकणी को अपना पद का उत्तराधिकारी बनाया। इन्फोसिस में काम करते समय उन्होंने भारतीय आईटी के विकास के लिए वैश्विक स्तर पर चलने वाले मॉडल्स का निर्माण किया। 2002 से 2006 तक वे बोर्ड के चेयरमैन थे। बाद में वे बोर्ड और मुख्य सलाहकार समिति के भी चेयरमैन बने। अगस्त 2011 में चेयरमैन के पद पर रहते हुए वे कंपनी से सेवानिवृत्ति हो गए। HSBC के कॉरपोरेट बोर्ड की उन्होंने एक आज़ाद डायरेक्टर की तरह सेवा की और उनके साथ ही DBS बैंक, यूनिलीवर, ICICI और NDTV के लिए डायरेक्टर के रूप में कार्य किया। इसके साथ ही भारत को बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा संस्थाओं और समाज सेवी संस्थाओं की सलाहकार समिति के भी वे सदस्य बने। भारत सरकार के पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के वे चेयरमैन भी हैं। ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन की सलाह समिति के एशिया क्षेत्र के वे मुख्य सलाहकार भी माने जाते हैं। 1 जून 2013 को मूर्ति इन्फोसिस वापस आए और उन्होंने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और एडिशनल डायरेक्टर का पद संभाला। 12 जून 2014 को उन्होंने अपना एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद छोड़ने की घोषणा की, जिसे 14 जून से लागू किया गया, लेकिन 12 अक्टूबर तक उन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनकर सेवा जरूर की। 11 अक्टूबर को मूर्ति ने हमेशा के लिए चेयरमैन के पद को छोड़ दिया। व्यक्तिगत जीवन। उनकी पत्नी का नाम सुधा मूर्ति उर्फ कुलकर्णी है। उनकी पत्नी ने हुबली के बीवी भुमारे रेड्डी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में BE किया। पढ़ाई करते समय वह अपनी कक्षा के टॉपर थी, इसी वजह से उन्हें कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। बाद में उनकी पत्नी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंप्यूटर साइंस में MA की पढ़ाई पूरी की। उससे भी वह अपनी कक्षा में पहली आई और अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था। उनकी पत्नी इन्फोसिस फाउंडेशन के साथ मिलकर समाज सेवी काम करती हैं। मूर्ति के 2 बच्चे हैं, एक बेटा रोहन और एक बेटी अक्षता मूर्ति। रोहन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जूनियर कॉलेज की शिक्षा ग्रहण की। 1 जून 2013 को उन्होंने अपने पिता की कंपनी में
एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पद संभाला, लेकिन 14 जून 2014 को ही उन्होंने इन्फोसिस छोड़ दिया, जबकि उनकी बेटी ने स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल से MBA की पढ़ाई पूरी की और बाद में ब्रिटिश राजनीतिक MP ऋषि सुनक से शादी कर ली।